तो चलिए हम लोग देखेंगे रीजनिंग टेस्ट सीरीज में टेस्ट नंबर 8 का क्वेश्चन। बनाए होंगे आप लोग। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें देखिए क्या क्या लिख रहा है। 13 है और 167 है, 15 है और उसके बाद बाबू वाट है। तो क्या हो रहा है इसमें? तो देखिए 13 है, 13 का स्क्वायर कर दिए कितना हो गया 169, और माइनस 2 कर दिए हो गया कितना 167। उसी प्रकार से 15 है, 15 का स्क्वायर 225, और माइनस 2 कर देंगे हो जाएगा कितना 223। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन एक नंबर, यानी कि 223। 223। किसी को दिक्कत इसमें? क्लियर है सबका? कोई डाउट नहीं है? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2 नंबर, इसमें देखिए क्या लिख रहा है। 52 है और 164 है, 52 है और 164 है, और यहाँ पर देखिए 60 है और 162 है। तो यहाँ पर बाबू हो गया डिफरेंस कितने का 102 का, यानी 162 में से 162 में से अगर आप 60 हटाते हैं तो हो जाता कितना 102। यहाँ पर भी देखिए 102 का डिफरेंसेस है, यहाँ पर भी बाबू 102 का डिफरेंसेस है, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए यहाँ कितना है 112 का डिफरेंसेस है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन एक नंबर, ऑप्शन ए ऑप्शन हो जाएगा इसका एक नंबर। कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर सबका? कोई डाउट नहीं है ना इसमें? सबका क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है 3 नंबर, सवाल बनाए इसको। कौन कौन नहीं बनाए? क्या है इसमें? देखिए 10 है और यहां पर 31 है, क्या हुआ इसमें? गुने 3, मतलब इस साइड से चलेंगे तो गुने 3 प्लस 1, और यहां पर क्या हुआ गुने 3 किए तो 92, सॉरी 93, और प्लस 1 कर दिए कितना हो गया गुने 3 प्लस 1। यहां पर भी क्या होगा गुने 3 होगा और प्लस 1 हो जाएगा। तो यहां पर भी हम वही चीज ना करेंगे गुने 3 और प्लस 1। अगर हम यहाँ पर 3 रखते हैं तो 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हो जाएगा 9, 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, यानी कि वाट के स्थान पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा एक नंबर, ऑप्शन ए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिख रहा है इसमें। 6 लोग ए बी सी डी ई तथा एफ ए गोलाकार में खड़े हैं, दो चार और 6 लोग खड़े हैं, बी तथा एफ सी के मध्य है, बी और एफ, बी एफ तथा सी के मध्य, यानी कि बी जो है वह क्या है एफ और सी के मध्य है, यानी एफ और सी के बीच में। चाहे आप इधर दे सकते हैं बी यहां दिए, एफ यहां दीजिए, सी यहां दीजिए, आपका मन। इसके बाद ए ई तथा डी के मध्य में है, ए जो है वो ई और डी के क्या है मध्य में है, इस प्रकार का सिचुएशन। ए ई तथा डी के मध्य में, एफ डी के बाएं। अब आया क्वेश्चन का मेन पॉइंट, एफ जो है डी के बाएं, ये देखिए ये बाबू ये हो गया क्या दायां किनारा, दायां हाथ तो दायां, और इधर ये हो गया बाबू बायां हाथ तो क्या चीज बायां। प्रश्न में क्या लिख रहा है एफ डी के बाएं, तो डी के बाएं है तो डी को रखा हमने यहां पर, और एफ जो है डी के बाएं, तो इसका मतलब एफ हो गया कहां पर इधर। अब जब एफ आ गया तो अब देखिए इसमें क्या लिख रहा है, बी एफ तथा सी के मध्य में है, तो बी को दीजिए आप यहां पर, बी जो है एफ और सी के क्या है मध्य में है। इसके बाद है यहां पर ए ई तथा डी के मध्य में है, ए जो है यहां पर डालिए आप, ए ई तथा
डी के मध्य में है। तो पूछ रहा है कि बी तथा डी के मध्य में कौन है, बी और डी के मध्य में कौन है, देख लीजिए कौन है, एफ है। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एफ, ऑप्शन हो जाएगा इसका तीन नंबर ऑप्शन सी। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर सबका। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए इसमें क्या है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, इधर है बाबू दाहिना हाथ और इधर है बाबू बायां। प्रश्न में क्या लिख रहा है देखिए, इसमें प्रश्न में बाबू लिख रहा है, इसमें क्वेश्चन है, सरिता एक बिंदु डी से उत्तर की ओर 50 मीटर चली, उत्तर दिशा में चली कितना, 50 मीटर। तो चलिए उत्तर दिशा में हम यहां पर लिख देते हैं 50, 50 मीटर उत्तर दिशा में चली। इसके बाद 50 मीटर उत्तर चलते, फिर दाहिने मुड़ने के बाद 50 मीटर, यहां से फिर वो दाएं मुड़ गई और कितना चली, 50 मीटर। तो यहां से दाएं मुड़ गया और यहां पर चला कितना, 50 मीटर। वह पुनः दाएं मुड़ी और 70 मीटर, फिर से वह दाएं मुड़ गए और कितना, तो 70 मीटर। अंततः दाएं मुड़ी और 50 मीटर, फिर यहां से अंतिम में दाएं मुड़ करके और 50 मीटर चलती है। वह बिंदु डी से किस दिशा में तथा कितनी दूरी पर है, बिंदु डी से जो है वह किस दिशा में और कितनी दूरी पर है हमसे यह पूछ रहा है। तो डी तो उसका शुरुआती बिंदु ही ना है, अपोजिट डायरेक्शन क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 50 और 70 घटा के यहां पर बचा कितना, 20। अपोजिट डायरेक्शन ईस्ट और वेस्ट को भी क्या करेंगे, घटा देंगे, खत्म हुआ कहानी। यानी कि वह दक्षिण दिशा में कितने दूरी पर, 20 मीटर के दूरी पर है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन एक नंबर, ऑप्शन ए। नंबर हाँ जी, ऑप्शन तीन नंबर। ठीक है आगे बढ़े, हटा देना जिसको। क्वेश्चन नंबर सिक्स में लिख रहा है, एक विशिष्ट कोड भाषा में गो देयर को नापा लिखा जाता है, तो देयर को किस भाग प्रकार लिखा जाएगा, यहां पर हमसे यह बात पूछा गया, देयर को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहला चीज आप देखिए कि प्रश्न में बाबू देयर है कहाँ कहाँ, प्रश्न में जो है देयर कहाँ कहाँ लिखा हुआ, सबसे पहला चीज तो ये देखना। तो यहां देखिए और कहीं जहां देयर लिखा हुआ हो और तो कहीं नहीं मिला। इसका सीधा अर्थ यह हो गया कि गो और देयर यानी कि ना और पा, इसी दोनों में से हमारा कोई भी एक आंसर होना है। तो ना हो सकता है, पा हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता है। अब इस दोनों ऑप्शन में से कौन सा, तो जब हम देखे इसमें कि गो और देयर यानी कि देयर जब मुझे किसी भी दूसरे स्थान पर नहीं मिला है, देयर जब मुझे किसी भी दूसरे स्थान पर नहीं मिला है तो उसका कोड क्या दूसरे स्थान पर मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो अब आप देख लीजिए इसमें कि ना और पा में से कोई कहीं मिल रहा है, ये देखिए पा यहां पर मिल रहा है, पा यहां पर, पा यहां पर, जब देयर किसी भी दूसरे स्थान पर नहीं मिला तो उसका कोड जो अगर पा होगा तो पा भी तो दूसरे स्थान पर नहीं मिलता ना, इसका मतलब हो गया कि देयर का कोड क्या होगा, एन ए होगा, देयर का कोड हो जाएगा एन ए। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन तीन नंबर, ऑप्शन सी। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीन नंबर, ऑप्शन सी। क्लियर, किसी को दिक्कत नहीं ना इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है सेवन। क्वेश्चन इसका कोड दे रहा है ओ ए एन पी ओ और ई। ठीक है, उसी प्रकार से गिंगल के लिए क्या कोड होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसका कोड क्या क्या बना है, आर और एन माइनस फोर हो गया, एस और ओ माइनस फोर हो गया,
और ई और आर ए माइनस फोर हो गया, तो यहां पर आई है और ई है माइनस फोर हो जाएगा, पी में माइनस फोर कर दीजिए पी हो जाएगा, और एस में माइनस फोर कर दीजिए क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा। यही सेम सिचुएशन आप इसमें लागू कर दीजिए फिंगर के साथ और आप देख लीजिए आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या चीज, ऑप्शन चार नंबर ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा बाबू इसका ऑप्शन डी, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर सबका। बिता देना जी, चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास एट नंबर सवाल है और इसमें देखिए क्या क्या लिख रहा है, सेवन का स्क्वायर है ए सेवन बी उसके बाद नाइन और दे रहा है कितना तो सिक्सटीन, यदि हम सात का स्क्वायर कर दे कितना उनचास और उसमें यदि हम सात से भागा दे दे तो हो जाएगा कितना सात ही हो जाएगा और यदि उसमें हम नौ जोड़ दे तो कितना हो जाएगा सोलह, समझ में आया। इसका मतलब यह हुआ ए के लिए डिवाइड का साइन और बी के लिए प्लस का साइन यहां पर पुट किया है हमने, अब यही सिचुएशन यहां लगाइए पांच का स्क्वायर पच्चीस डिवाइड कर दिए पांच से हो गया कितना तो पांच और पांच में सात को जोड़ देंगे हो जाएगा कितना तो ट्वेल्व यानी कि बारह, नौ का स्क्वायर इक्यासी इक्यासी में भागा देंगे तीन से तो हो जाएगा कितना सत्ताईस और सत्ताईस में जब आठ जोड़ देंगे हो जाएगा कितना पैंतीस थर्टी फाइव, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन चार नंबर ऑप्शन डी थर्टी फाइव ऑप्शन डी। तो वाचिंग वाले सब जो भी देख रहे हैं आप लोग भी कमेंट कीजिए, एक भी कमेंट कोई नहीं किया है, देख तो रहा है देख रहे हैं हम भी, आप लोग कमेंट कीजिए हमको भी पता चले कि सब जगह हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर नाइन आपके सामने है, चलिए इसको बनाया जाए, आप लोगों को पंखा की जरूरत है नहीं ना, वही हम देख रहे घर 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 क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपके पास नाइन नंबर, बनाए जी इसको, चार है एक है और तीन है, चार का स्क्वायर कितना सोलह और एक उसमें जोड़ दिए कितना हो गया सत्रह और तीन उसमें जोड़ दिए कितना हो गया तो बीस, ठीक है। चार का स्क्वायर नीचे वाले का स्क्वायर किए, सबसे नीचे वाले का स्क्वायर किए एक और तीन उसमें जोड़ दिए, दो का स्क्वायर चार, चार और दस कितना तो चौदह, तीन का स्क्वायर बाबू नाइन, नाइन और फाइव हो गया फोर्टीन और फोर्टीन और टू हो जाएगा कितना तो सिक्सटीन, आंसर हो जाएगा सिक्सटीन ऑप्शन हो जाएगा इसका चार नंबर ऑप्शन डी ऑप्शन बाबू डी, ठीक है। क्लियर है सबका, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट नहीं है कीजिएगा ना जी, कमेंट में नहीं कुछ कम से कम ए बी सी डी जो आंसर हम बता देते वही कर दीजिए, लगेगा हमको कि चलो कुछ तो आ रहा है। क्वेश्चन है दस नंबर, दस नंबर क्वेश्चन देखिए इसमें क्या लिख रहा है, नीचे प्रश्न आकृति में दिखाए अनुसार कागज को मोड़कर छेदने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा, जैसा दिखाई देगा। अब आप यहां पर देख लीजिए सबसे पहला चीज कि यहां जो पेपर है और पेपर को जो मोड़ा गया वो बाबू यहां पर मोड़ा गया, ये जब मोड़े पेपर को यहां पर तो ये मोड़ करके आ जाएगा बाबू इस डिजाइन में, और इस डिजाइन में मोड़ने के बाद फिर से पेपर को यहां मोड़ा गया
यानी कि ये तो पेपर ऐसे मुड़ा, लेकिन ये वाला भाग जब इधर आएगा तो ये वाला भाग बाबू ऐसे यहां नजर आएगा, मतलब अंदर में वो छिपा हुआ रहेगा, नजर नहीं आएगा, अंदर में छिपा हुआ रहेगा। अब इसके बाद इसको ऊपर से जब हम यहाँ नीचे लाए हैं, इसका सीधा अर्थ है कि वो यहां पर आ जाएगा, ये ऊपरी हिस्सा, ये कटा हुआ भाग यहाँ आ जाएगा। और अब यहां पर जो है ये होल किया गया है, अब यहां पर ये होल किया गया, तो सबसे पहला चीज कि जो मुड़ा हुआ हिस्सा है वो मुड़ा हुआ हिस्सा तो इधर, यहां पर तो मुड़ा हुआ हिस्सा है ही नहीं, और यहां पर बाबू ये वाला किया गया कटिंग, यहां पर ये जो कटिंग किया गया है, ये कटिंग करने के साथ साथ सबसे पहला चीज कि आप पेपर का मोड़ यानी पेपर का जो कोना जो आ रहा है, यहां पर तो तीन ही चौकोना आ रहा है ना, एक ये वाला कोना आ रहा है, एक ये वाला कोना आ रहा है और एक ये वाला, ये तीन कोना आ रहा है, ये वाला कोना तो वहां पर आएगा ही नहीं। इसका मतलब है कि पेपर का ये जो कोन बाबू कटेगा वो कितने साइड कटेगा, मात्र और मात्र तीन साइड कटेगा, ठीक है सबका, तो तीन साइड कटेगा। तो ये देखिए सब में वो तीन तीन साइड ही कटा हुआ है, और इस साइड में देख लीजिए किसी में भी कटा हुआ नहीं है, यानी कि ये हिसाब से तो क्वेश्चन चलिए सही है। अब इसके बाद क्या, अब इसके बाद रहा कि होल कितना, होल कितना, होल तो आ रहा है तो होल कितना होगा, तो होल देख लीजिए आप, ये जो पेपर कटा हुआ है यहां पर, क्या इस पर यहां पर होल आ रहा है, होल तो आना चाहिए, अगर होल आता है तो फिर होल का जो डिजाइन है वो देख लीजिए किस डिजाइन में कट रहा है, यानी कि वो बीचों बीच में कट रहा है, ठीक है। यानी कि जब आप पेपर से ये परत पर जब आप खोलिएगा तो ये जो सटा हुआ इस यहाँ पर जो होल होगा यहाँ पर, ये देख लीजिए ये जो पेपर हम यहाँ पर मोड़े और यहाँ पर से जब हम इसको खोले तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर होल बनाएगा ही बनाएगा, क्योंकि दोनों परत इस प्रकार से जो मोड़ा हुआ है वो इस प्रकार से खुल जाएगा। तो जब दोनों परत इस प्रकार से यहाँ पर खुलेगा तो दोनों साइड का होल क्या हो, एक हो जाएगा, यानी कि हमारे प्रश्न का जो तीन होल वाला जो आंसर है वो नहीं होगा, आंसर होगा कौन सा, ऑप्शन एक नंबर, यानी कि चार होल वाला हमारे प्रश्न का आंसर होगा, आंसर हो जाएगा बाबू इसका ऑप्शन एक नंबर, क्लियर है, किसी को दिक्कत भी है जी, आगे बढ़े। क्वेश्चन हमारे पास 10 के बाद 11 नंबर, दिए गए दर्पण प्रतिबिंब में कौन सी आकृति सही प्रतिबिंब बनाती है, सही प्रतिबिंब बनाती है तो दर्पण का जो सही प्रतिबिंब होगा इसके लिए सीधा सीधा एक नियम, नजदीक वाला नजदीक में और दूर वाला बाबू किधर, तो दूर में, तो ये देखिए नजदीक वाला नजदीक में और ये जो दूर वाला है वो दूर वाला किधर बनेगा, तो दूर में बनेगा। अब ऐसा डिजाइन देख लीजिए किसमें, आंसर चार नंबर ऑप्शन, ठीक है क्लियर, किसी को दिक्कत नहीं, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 12, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, कितने ट्रायंगल हैं इसमें, यह चीज हमको बताना है, तो चलिए इसको तो बहुआ गिनती ही करना पड़ेगा, ठीक है, दिखाना हम यह चाह रहे हैं कि जो भी, अभी देखिए मेरे पास भी क्वेश्चन है लेकिन उसके बावजूद भी हम जो है फिगर बना करके गिनती कर रहे हैं, ठीक है, और आप लोग हो सकता है इसी में इधर उधर कर लीजिए, क्योंकि कुछ फिगर है जो कि वहां आप देखते हैं गिनती करते हैं आंसर आ जाता है, लेकिन कुछ फिगर ऐसा है जैसे कि ये तो थोड़ा इजी है तो ऐसे भी गिनती कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इजी को भी यही बनाएंगे ताकि टफ वाले में भी हम क्या करें अलग से फिगर बनाए और मेरा एक बार में परफेक्ट आंसर वो आ जाए, और कोई बात नहीं। तो चलिए सबसे पहला चीज ये लाइन हमने यहां से यहां खींचा, इसके बाद अभी तक तो कोई त्रिभुज नहीं है, एक त्रिभुज आप देख रहे हैं,
और दूसरा त्रिभुज और तीसरा त्रिभुज, तीन त्रिभुज आप लोगों को नजर आ चुका है। इस तीन त्रिभुज को सबसे पहले तो हम यहां पर लिख लें थ्री। अब इसके बाद ये वाला लाइन हम यहां से यहां खींच रहे हैं, ये जितना हम खींचे अरे कॉर्नर पर है जी, ठीक है कॉर्नर है, ये जूम जो हो गया ना फिगर, इसीलिए आप लोग को ऐसा लग रहा है। नहीं नहीं फिगर कॉर्नर पर, ठीक है देखिए वो सेटिंग है क्वेश्चन का, थोड़ा सा उसको मत कीजिए कुछ, ठीक है इतना रहने दीजिए जितना बना रहे हैं। गिनती हूँ कितना हो गया, दो त्रिभुज, तीन नहीं हुआ, दो ही हुआ जी, एक इधर तीन और एक यहां से यहां, चार त्रिभुज और तो नहीं बना है, चार के बाद एक यहां से यहां, पांच त्रिभुज और तो नहीं बना है, ठीक है इसके बाद एक लाइन ऐसे है, ये जैसे लाइन खींचे हैं कहां से अच्छा ये यहां तक आ गया, हम यहीं तक देख रहे हैं हम समझ रहे हैं कि इसको नहीं मिलाना है, तीन त्रिभुज हुआ प्लस पहले एक एक त्रिभुज यहां पर और एक त्रिभुज यहां पर, दो ही त्रिभुज आया है प्लस एक त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज और यहां से यहां ये वाला, तीसरा त्रिभुज और ये वाला कंप्लीट, चार त्रिभुज प्लस बन गया जी सारा, ये वाला छूट गया नहीं। नहीं ये दस हुआ है, एक कहीं तो कहीं छूट कर रहा है, एक मिनट ये जो हम अभी चार में गिनती किए यहां से यहां में, एक दो यहां से यहां ये तीन, यहां से यहां ये चार और यहां से यहां ये वाला पांच, एक और जोड़ दिया, ठीक है आंसर होगा टोटल दस त्रिभुज, ये वाला ये वाला ये वाला उस टाइम हम गिनती नहीं किए थे, भूल गए, ठीक है क्लियर, चलिए आगे बढ़े, मिटा दें गिराने दें अभी मिटा दें, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन क्या लिख रहा है, नीचे एक ही घन की तीन अवस्थाएं दर्शाएंगे, अंक एक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा, एक के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आना है यह आपको बताना है। तो इसमें आप देख रहे हैं किसी भी दो डाइस में
जब कोई भी एक सतह कॉमन मिलता है, ठीक है, किसी भी दो डाइस में जब कोई भी एक सतह कॉमन मिलता है तो कॉमन सतह से एक रेखा क्लॉकवाइज खींचना है। कॉमन सतह से क्या करना, एक रेखा क्लॉकवाइज खींचना। यहां देखिए 6 और 6 दोनों में कॉमन मिला, और ये हमने यहां से बाबू एक क्लॉकवाइज लाइन खींच दिया दोनों में। तो 6 6 के बाद 4 4 के बाद 6 6 के बाद 4 4 के बाद 2 है, 6 1 और 3 है, 6 6 के बाद 1 है और 1 के बाद 3 है। हमारे प्रश्न का आंसर क्या आ गया, 1 के विपरीत में क्या होगा, तो 4 होगा। 1 के विपरीत सतह पर 4 होगा, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 3 नंबर, ऑप्शन सी। ठीक है, बता दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई है, पति है और पुरुष है, भाई है, पति है और पुरुष है, इसका क्या आंसर होगा, आपको ये चीज बताना। आप लोग बनाए हैं कि नहीं बनाए, बनाए तो चलिए। सबसे पहला चीज तो पुरुष, पुरुष के अंतर्गत तो दोनों आएगा, पति भी आएगा और भाई भी आएगा। ये हो गया बाबू पति और ये हो गया बाबू भाई, ठीक है। ये वैसा पुरुष है जो किसी के लिए भाई भी है और किसी के लिए पुरुष भी है, ये वैसा है जो पति है लेकिन वह किसी का भाई नहीं है, मतलब एकलौता पुत्र होगा, ठीक है। ये जो है भाई है लेकिन वो अभी शादी नहीं हुआ, तभी वो किसी का पति नहीं है, क्लियर। तो आंसर इसका हो जाएगा बाबू ऑप्शन 2 नंबर। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर है 15, लिख रहा है इसमें, बैठक स्थल पर 8:50 बजे से 20 मिनट पहले पहुंचने पर, बैठक स्थल से 8:50 बजे से 20 मिनट पहले, तो 8:50 से 20 मिनट पहले, इसका अर्थ हो गया कि 8:00 कितना मिनट, 30 मिनट, 8:30। राजेश स्वयं को 40 मिनट देरी से आने वाले व्यक्ति की तुलना में 30 मिनट पहले आया हुआ पाता है। राजेश जो है स्वयं को, खुद को, जो आदमी 40 मिनट देरी से आया है, कोई आदमी है जो 40 मिनट देरी से आया है, आने वाले व्यक्ति की तुलना में 30 मिनट पहले आया हुआ पाता है, यानी कि वह खुद लेट है, कि वो भी बोल रहा है कि मैं लेट हूं, लेकिन मैं वैसे व्यक्ति से 30 मिनट पहले आया हूं जो कि 40 मिनट देर से आया। इसका अर्थ हुआ कि जो आदमी 40 मिनट देर से आया, अगर उससे ये 30 मिनट पहले आया, तो यह कितना देर से आया, यह 10 मिनट देर से आया, कोई दिक्कत। और जब यह व्यक्ति राजेश जो 10 मिनट देर से आया, तो पहुंचा था कितने बजे, 8:30 पर। तो अगर वह सही समय पर पहुंचता तो उसका टाइमिंग क्या होता, 8:20, यानी कि बैठक का तय समय क्या था, तो बैठक का तय समय था बाबू कितना, 8:20। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें, खत्म कहानी, मिटा दें। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 16 से 18 क्या लिख रहा है इसमें देखिए। सोलह से अठारह में लिख रहा है, एक अलमारी में 6 किताबें रखी गई है, LMNOPQ लिखा गया है, MNPQ का आवरण भूरा है जबकि अन्य सभी का आवरण काला है, बहुत अच्छा। तो चलिए हमसे पूछ क्या रहा है, कौन से दो संकरण, हमसे पूछ रहा है कौन से दो संकरण विधि की भूरे आवरण वाली पुरानी पुस्तकें हैं। प्रश्न में पूछ रहा है विधि, भूरा आवरण, पुरानी पुस्तक, तीन बात पूछ रहा है इसमें। विधि का लॉ का किताब होना चाहिए, भूरा आवरण होना चाहिए यानी भूरे कलर का कवर होना चाहिए उसका, और पुराना पुस्तक होना चाहिए, यह तीनों जिसमें मिल जाएगा वही हमारा आंसर। तो सबसे पहला चीज, MPN और Q का आवरण भूरा है, किसका, किसका, MPNQ का, MPNQ, तो
तो यानी कि पी और एन ये सही है, पी और ओ यहां तो देखिए क्यू है, ओ नहीं ना है, ये ऑप्शन गलत हो गया, पी और क्यू सही है, और क्यू और एल यहाँ पे क्यू है लेकिन एल नहीं है, ये भी गलत, यानी कि दो ऑप्शन सही और दो ऑप्शन गलत। चलिए आगे बढ़ते हैं, भूरा वाला आवरण का कहानी खत्म, विधि और पुरानी पुस्तक का बचा, ये क्या है, नए संकरण है, एल एम ओ नए संकरण है, यानी कि नया किताब है, बाकी पुराने, एल एम और ओ नया है, हमको चाहिए कौन, पुराना ना, एल एम ओ को छोड़ करके होगा, एल एम और ओ को छोड़ करके होगा, यानी कि पी क्यू भी सही और पी एन भी क्या सही। अब क्या बचा, लॉ का किताब है जी, एल एम एन कंप्यूटर की पुस्तक है, एल एम और एन क्या कंप्यूटर का पुस्तक है, यानी कि ये भी क्या गया, तो बचा ऑप्शन कौन सा, तीन नंबर, हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन सी, ऑप्शन तीन नंबर। दिक्कत है तो बोलिए, इसमें दिक्कत नहीं है, क्लियर है सबका। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही ये बन जाना चाहिए। अब क्या है? कौन सी विधि की नई पुस्तक का आवरण काला, विधि की नई पुस्तक यानी कि एल एम एन नहीं होगा, एल नहीं होगा, एम नहीं होगा, एन नहीं होगा, क्योंकि यह कंप्यूटर का किताब है, एल वाला ऑप्शन गलत, एम और एन वाला ऑप्शन भी गलत। चलिए ठीक है, विधि का किताब हो गया, नई पुस्तक चाहिए, नए संकरण, एल एम ओ नया है, एल है, एम है, ओ है, नया है, हो गया आंसर ऑप्शन दो नंबर। क्लियर सबका, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी नई कंप्यूटर पुस्तक का आवरण पूरा, नई कंप्यूटर का पुस्तक, चलिए एल एम एन कंप्यूटर का, एल एम और एन कंप्यूटर का किताब है, तो ये पी गया, पी खत्म। अब क्या है, कंप्यूटर हो गया, नया पुस्तक चाहिए, एल एम ओ नया पुस्तक है, एल नया पुस्तक है, एम नया पुस्तक है, ओ नया पुस्तक है, यानी एन ऑप्शन गलत हो गया। अब क्या है, भूरा रंग का आवरण चाहिए, एन का देखिए भूरा है, एन तो है ही नहीं, एम पी क्यू, एम हो गया भूरा रंग वाला, एल भी खत्म, आंसर हो गया क्या, ऑप्शन चार नंबर। क्लियर है सबका, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, खत्म, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 19, देखिए क्या लिख रहा है, अपने नाभिकीय हथियारों के संबंध में भारत नो फर्स्ट, एन ओ नो, हिंदी में ऐसे होना चाहिए, नो लिखा हुआ, ठीक है, नो फर्स्ट, नो फर्स्ट यूज एनएफयू नीति का अनुसरण करता है, जिसका अर्थ है कि किसी भी विवाद की स्थिति में वह नाभिकीय हथियारों का प्रयोग करने वाला पहला नहीं होगा, नाभिकीय हथियार का प्रयोग करने वाला वह क्या होगा, पहला आदमी, पहला देश नहीं होगा, ये चीज है, यानी कि यदि हमारे देश पर कोई परमाणु हमला करता है तभी हम उस पर जवाब में परमाणु हमला करेंगे, नहीं तो हम पहले परमाणु हमला नहीं करेंगे। क्लियर, अब लिख रहा है इसमें सबसे पहला चीज की जानकारी इसमें कहां का दिया है ये बताइए, भारत का, ये बोल का क्या है, चीन और पाकिस्तान दोनों के पास नाभिकीय हथियारों के लिए फर्स्ट यूज नीति है, मतलब आप हमसे पूछ रहे हैं भारत के बारे में, बता रहे हैं हमको भारत के बारे में, और निष्कर्ष में आपने दे दिया, निष्कर्ष में आपने क्या दे दिया, चीन और पाकिस्तान के बारे में, तो कहीं से भी ये सही होगा, बिल्कुल ही क्या है, गलत है, पहला वाला निष्कर्ष बिल्कुल गलत। भारतीय नाभिकीय हथियार मुख्यतः बचाव हेतु है, जब आपके इसका क्या है, नो फर्स्ट यूज, यानी कि जिसका अर्थ है कि किसी भी विवादित हुआ नाभिकीय हथियार का प्रयोग करने वाला पहला नहीं होगा, तो पहला देश नहीं होगा, यानी कि सीधा बात, वो डराने के लिए तो नहीं रखा है, हमारे पास है हम बम मार देंगे तुमको, डराने के लिए तो नहीं रखा है, वो किस चीज के लिए रखा है कि भैया हमारे पास भी है, जान लो तुम, अगर तुम उधर से प्रयोग करते हो तो हम भी तब प्रयोग करेंगे, इसीलिए इतना सोच के रखना कि दोनों के पास है तो अपना अपना बच बचाव करके रहना, ये बात है। तो भारतीय नाभिकीय हथियार मुख्यतः बचाव हेतु है, तो यह बात बिल्कुल ही क्या है, सही है, तो पहला वाला गलत और दूसरा वाला
सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन, देख लीजिए, 2 नंबर, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ठीक है, चलिए आगे क्या है, यदि क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, यदि रामपुर की 6% जनसंख्या स्नातकोत्तर है यानी कि पीजी किया हुआ है, तो जो विद्यार्थी पीजी का किया हुआ है वो पहले मैट्रिक पास होगा, इंटर पास होगा, ग्रेजुएशन करेगा, उसके बाद ही ना पीजी करेगा। ठीक है, और 19% सामान्य स्नातक, 19% सामान्य स्नातक, कौन सा आरेख छायांकित भाग के रूप में स्नातकों को, स्नातकों का अनुपात दर्शाता है, तो जो 19% वाला है वो, ठीक है, 19% वाला है वो, तो यहां पर सिचुएशन क्या, 19% सामान्य स्नातक है, 19% क्या है सामान्य स्नातक है, तो जिसने बाबू स्नातक किया है वही ना पीजी भी करेगा, बात समझ में आया। यानी यहां पर अगर हम आप लोगों से पूछते हैं कि चलिए आप लोग ये बताइए कि कितने विद्यार्थी हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, तो इसमें से कुछ विद्यार्थी हाथ खड़ा करेगा, कुछ विद्यार्थी हाथ नहीं कर, सर हम पार्ट वन में तो मान्य नहीं हुआ, सर हम पार्ट टू में मान्य नहीं हुआ, क्योंकि मैंने बात बोला ग्रेजुएशन फाइनल का। ठीक है, तो जितना ग्रेजुएशन फाइनल होगा जो ऑनर्स किया रहेगा वही ना हाथ उठाएगा। अब यदि हम इसमें कह दें कि कितने विद्यार्थी जो मैट्रिक पास है, कितने विद्यार्थी जो मैट्रिक पास है, तो बताइए जो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में वो वाला हाथ उठाएगा कि नहीं उठाएगा, जो सेकेंड ईयर में वो, जो थर्ड ईयर में वो, जो फाइनल कर लिया वो, सब ना हाथ खड़ा करेगा इसमें, तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन 1 नंबर। समझ में आया कि दिक्कत है, आप लोग ऐसा नहीं ना सोच रहे 19+6=25 आंसर 3 नंबर, तो ये 6 जो है बाबू वो स्नातक किया कि नहीं किया, किया ना स्नातक, और जब स्नातक किया तो वह स्नातक वाले के अंदर है कि स्नातक वाले से बाहर है, क्लियर, समझ आया, इसीलिए आंसर होगा इसका 1 नंबर, ना कि आंसर 3 नंबर, क्लियर, गड़बड़ाया है सब तो लगता है। चलिए आइए 21 नंबर सवाल में, इसके बारे में आप लोगों को बताए हुए हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और ये बाबू इक्वल टू, जानकारी तो है इसके बारे में आप लोगों को, नहीं है जानकारी जल्दी जल्दी बता दीजिए, नहीं तो हमको फिर से पूरा बताना पड़ेगा, बहुत दिन हो गया है, बढ़िया, इसका नाम है बाबू ग्रेटर देन, इसको हम बोलते हैं क्या चीज, तो घबराना नहीं, मतलब हिम्मतबाज है, यानी कि क्या है कन्फर्म है, वो एकदम जाता है तो बोलता है कि हम लड़ाई जीतेंगे ही जीतेंगे, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये देखिए ये बोल रहा है ना, मैं बड़ा हूं या बराबर हूं, या लगा हुआ, और जब या लगा हुआ ना तो इसका मतलब है कि वह हम एग्जाम पास करेंगे या एग्जाम पास नहीं करेंगे, हम परीक्षा देने जाएंगे या हम परीक्षा देने नहीं जाएंगे, हम जीतेंगे या हम नहीं जीतेंगे, इसका मतलब आप कंफ्यूजन में है कि नहीं है ना, कंफ्यूजन में, इसीलिए बाबू इसका नाम रख दिए कन्फर्म और इसका नाम रख दिए कन्फ्यूजन, ये हो गया बाबू कन्फर्म, ये हो गया क्या कन्फ्यूजन, उसी प्रकार से इसका नाम भी कन्फर्म और इसका नाम क्या कन्फ्यूजन, तो जब एक कन्फर्म आदमी और एक कन्फ्यूज कन्फ्यूजन में रहने वाला आदमी में लड़ाई होगा तो कौन जीतेगा, एक कन्फर्म और एक कन्फ्यूजन में कौन जीतेगा, हमेशा तो बाबू कन्फर्म वाला ही ना जीतेगा, कन्फ्यूजन वाला जीतने लगेगा, कन्फर्म वाला जीतेगा, कन्फर्म और कन्फ्यूजन में जब भी लड़ाई होगा तो कौन जीतेगा कन्फर्म, कन्फर्म और कन्फ्यूजन में जब भी लड़ाई होगा तो कौन जीतेगा कन्फर्म। चलिए आगे, जन्म लिया घर के बाहर आज तक नहीं निकला, देख लीजिए चारों तरफ से दीवार बंद है, ठीक है, जैसे कि
ये जन्म लिया, आज तक खिड़की से देखा भी नहीं संसार कैसा है, और ये सब तो देख ही रहे रोडे पर सब खड़ा है। अब बताइए, रोड पर रहने वाला और जो घर से आज तक नहीं निकला, वो दोनों में अगर लड़ाई होगा तो कौन जीतेगा? बाहर वाला जीतेगा, सीधा सीधा कहानी है। इसीलिए अंदर और बाहर वाले में जब भी लड़ाई होगा तो कौन जीतेगा? बाहर वाला जीतेगा। ये देखिए, ये जा रहा है इधर गांधी से तो पुल इधर है, उधर जा रहा है, और ये देखिए ये बाबू जा रहा है इधर गांधी मैदान है पटना में, बस वो गांधी मैदान जा रहा है। अब दो अलग अलग दिशा में यात्रा करने वाला व्यक्ति क्या दोस्ती हो सकता है, रिश्तेदारी होगा? दो अलग अलग प्रकार के सोच वाला व्यक्ति में आप लोग दोस्त कैसे बनाते? कभी ऐसा है तू काला है हम गोरा है तो दोस्ती नहीं करेंगे, हम भी गोरा तुम भी गोरा तो दोस्ती कर लेते हैं, तुम लंबा हम नाटा है दोस्ती नहीं होगा, तुम भी लंबा हम भी लंबा तभी दोस्ती करेंगे, क्या इस प्रकार से देख करके दोस्ती करते हैं, या फिर कुछ ना कुछ ऐसे साथ में हंसते खेलते गाते बजाते हो जाता है दोस्ती? कैसे होता है? चुन के नहीं ना करते, नहीं हम ये लड़का गोरा है हम काला है ना, एकरा से दोस्ती हमारा टिकने वाला नहीं है, इसीलिए हम दोस्ती नहीं करेंगे, क्या है ऐसा? दोस्ती तो कहीं भी किसी से भी हो जाता है। यही बाबू, लेकिन ये दोनों दो अलग अलग विचारधारा वाले व्यक्ति हैं, और इसके बीच में दोस्ती कभी भी हो ही नहीं सकता। इसीलिए बाबू अपोजिट डायरेक्शन, दो अलग अलग दिशा में जाने वाला व्यक्ति के बीच कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई रिलेशन नहीं, ठीक है? अपोजिट डायरेक्शन नो रिलेशन, और जब रिलेशन ही नहीं तो रिजल्ट भी नहीं, निष्कर्ष भी नहीं, ठीक है? जब रिलेशन ही नहीं तो निष्कर्ष भी नहीं। अपोजिट डायरेक्शन देख लीजिए, ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन नो रिलेशन, रिश्तेदारी नहीं, ये देखिए इधर जा रहा है ये देखिए इधर जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन नो रिलेशन, अपोजिट डायरेक्शन नो रिलेशन। मैंने आपको तीन पॉइंट्स बताया है, पहला क्या बताए थे, कन्फर्म और कन्फ्यूजन में कौन जीतेगा? कन्फर्म जीतेगा। दूसरा आप लोगों को क्या बताए हैं, अंदर और बाहर वाले में कौन जीतेगा? तो बाहर वाला जीतेगा। और तीसरा क्या बताए हैं, अपोजिट डायरेक्शन नो रिलेशन, ठीक है? हम एक बार फिर से यहां लिख देते हैं, आप लोग इसको जिनको लिखना होगा लिख लीजिएगा। चलिए अब देखिए इसमें क्या आर है और बी है, आर यहां पर और बाबू बी यहां पर, दोनों के बीच में देखिए यहां पर कोमा है, और कोमा है भी तो है, यहां पर देखिए ई और आर बराबर है, ई और आर क्या है बराबर है, तो बताइए क्या हम यहां से ई को काट करके आर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं आर, जब ई और आर बराबर है तो यहां से ई को काट के क्या कर दिए, आर बना दी। अब आप आर और बी के बीच डायरेक्ट रिलेशन बना लीजिए, क्या है दोनों एक ही है, लड़ाई होगा भी तो हम खुद से लड़ेंगे तो हम ही ना जीतेंगे, तो बस इसका मतलब है कि आर के तरफ मुंह बंद रहेगा और बी के तरफ मुंह खुला हुआ रहेगा। देख लीजिए सही है कि गलत है, सही है बिल्कुल ही सही। दूसरा पी और ई, ये देख लीजिए पी और ई के बीच क्या रिलेशन है, ई के तरफ मुंह खुला हुआ पी के तरफ मुंह बंद, और आप देख लीजिए क्या ऐसा है साइन यहां पर, सही कि गलत, गलत हुआ। बी और एम, चलिए बी और एम देख लेंगे बाद में, इसके बाद ए और पी, ए और पी भी बाद में होगा। चलिए इसको सबसे पहले हम यहां से हम इसको बाबू हटा दें, क्लीन कर लें। अब हमारे पास क्या है, बी और एम है, तो बी और एम है तो यहां से जब बाबू हम ई को यहां पर यहां लाए थे, ई को हम यहां से यहां लाए क्योंकि दोनों जगह पर ई है, तो उसी हिसाब से इसको भी कॉपी कर लीजिए आप इधर, यानी कि ई के तरफ मुंह खुला हुआ यहां पर आ गया पी, और ये वाला साइन दे करके यहां पर आ गया कौन, ठीक है? यानी कि इस भाग को हमने कॉपी करके यहां पर मैंने पुट कर दिया। अब आप देख लीजिए बी और एम के बीच रिलेशन क्या निकलेगा, इस दोनों साइन में कौन कंफर्म और कंफ्यूजन में कंफर्म जीतेगा? एक ही साइन है, तीनों का तीनों एक ही साइन है ना, इसका मतलब कि एम और बी के बीच में यही साइन रहेगा, और एम और बी के बीच में जब यही साइन रहेगा तो बी के तरफ मुंह खुला हुआ और एक एम के तरफ मुंह बंद।
आप देख लीजिए बी के तरफ मुंह खुला हुआ है, एम के तरफ मुंह बंद है, सही कि गलत? बिल्कुल ही सही। ए और पी के बीच रिलेशन, यहीं से आप बना लीजिए ए और पी के बीच रिलेशन। दोनों साइन तो एक ही है, दोनों चिन्ह तो एक ही है, यानी कि यही साइन होगा अभी। और अब आप देख लीजिए पी के तरफ मुंह बंद रहेगा और ए के तरफ मुंह खुला होगा, ये वाला साइन है क्या यहाँ पर? ये भी क्या हो गया? गलत। यानी कि आंसर होगा एक नंबर और तीन नंबर क्या है? सही है। और एक नंबर और तीन नंबर दे रहा बाबू, यहाँ देख लीजिए ऑप्शन बी में आंसर हो जाएगा इसका बउवा, ऑप्शन बी, ऑप्शन दो नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? आगे बढ़े, मिटा दें फिर आने दें, आप ही लोग से पूछ रहे थे। क्वेश्चन नंबर है बाबू 22, इसमें देखिए क्या है, एस और एच है, देखिए पी और एच है बराबर, देखना है सिर्फ इसमें, देख के ढूंढ के निकाल लीजिए जल्दी। पी और एच है बराबर, यहां पर बाबू पी है, हम इसको काट के एच बना दिए, हो गया। एस और एच के बीच में रिलेशन क्या? ये वाला साइन, ये वाला साइन है क्या इसमें? सही कि गलत? गलत। चलिए अब क्या है, टी और ओ, जब हम यहां से लाए थे पी को, पी पे कॉपी किए, हम इसको थोड़ा लिख देते हैं साफ सुथरा से, एस ये वाला साइन, टी लेस देन इक्वल टू, फिर से पी, पी यहां पर भी है, पी के साइड मुंह खुला हुआ और ओ के साइड में मुंह बंद। और अब आप देख लीजिए ओ और बी के बीच रिलेशन, सॉरी टी और ओ के बीच जब हम रिलेशन बनाएंगे तो टी और ओ के बीच रिलेशन, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन, और अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? नो रिलेशन होता है, यानी कि ये दोनों तो गया। अब हमको बनाना किसके किसके बीच रिलेशन? ओ और बी के बीच, ओ यहां पर और बी यहां पर, अंदर और बाहर वाले में कौन जीतेगा? बाहर वाला। और कंफर्म और कंफ्यूजन में कौन जीतेगा? तो कंफर्म वाला, यानी कि बी के तरफ मुंह खुला हुआ और ओ के तरफ मुंह बंद, बी के तरफ मुंह खुला हुआ है क्या? ऑप्शन ये भी क्या? गलत। ऑप्शन तीन नंबर गलत। चलिए आगे, जेड और टी, जेड और टी के लिए ओ तो आ ही चुका था यहां पर, देख लीजिए ओ के साथ साथ लगे हाँ, तो हम टी भी ले ही, जेड भी ले ही आते हैं। अपोजिट डायरेक्शन नो रिलेशन, तो आगे रिलेशन बढ़ेगा, यानी कि ये भी क्या? गलत। इसका मतलब हुआ कोई निष्कर्ष सत्य नहीं है, ऑप्शन चार नंबर, कोई भी निष्कर्ष जो है वो बाबू सत्य नहीं है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? चार नंबर, ऑप्शन डी। क्लियर है, समझ में आ गया? देखिए एक और खास बात, अगर हम बनाते अपने लिए, अपने एग्जाम के लिए, तो हम ये नहीं बनाते। आप लोगों को, सब विद्यार्थियों को हम एक साथ एक बार में समझाना चाहते थे, इसीलिए हम सोचे कि इसको अलग से लिख ही दो तो अच्छा, क्योंकि कोई ना कोई उधर से फिर बोल देगा कि सर एक बार इधर से, सर एक बार उधर से। कोशिश आप भी यही कीजिए कि बाबू यहीं पर सारा सेटलमेंट हो जाए, ठीक है? बात समझ में आया? रहा बात आप लोगों का ऑनलाइन एग्जाम, जितना बनेगा उतना तो बनेगा, हम तो यहाँ पर कट पिट कर दें, ऐसे ऐसे कर लें, इसको यहाँ से उठा कर पी और एच को डाल दें, आपको तो लिखना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन फिर भी इसको देखते हुए कम लिखना पड़ेगा, ये बात जान लीजिए। ऐसा नहीं कि सब क्वेश्चन के लिए लिखते चले गए, ये भी काम नहीं करना, ठीक है? चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है साइलोगिज्म का 23 नंबर सवाल। चलिए 23 नंबर सवाल में देखते हैं, लेकिन एक को कमेंट नहीं कर रहा है, सब एकदम बहादुर है, सब एक को कमेंट नहीं किया सर, कुछ होगा फिर से बोलिए, टाइप नहीं हो रहा आप में।
नहीं तो ऐसा तो कुछ कोई ना कुछ बोलेगा ना, हमारा व्हाट्सएप नंबर सबके पास दिया हुआ है, ऐप का नहीं हुआ। नंबर देखते हैं दोनों का, हाँ इसीलिए ए लिखने में भी दिक्कत हो रहा है। तो बोलते ए ओ लिखो कहाँ, ये एक नंबर हम लोग पता चले जाए। कोई मेज लकड़ी नहीं है, कोई मेज लकड़ी नहीं है, कुछ लकड़ियां कुर्सी है, कुछ लकड़ियां कुर्सी है, सभी कुर्सियां पत्थर है, सभी कुर्सी जो है वो बाबू पत्थर है, सभी पत्थर कंकर है, सभी का सभी जो पत्थर है वो क्या है, कंकर है। चलिए तो नंबर एक, कुछ लकड़ियां कंकर है, कुछ लकड़ियां जो है कंकर है, ये बात सही बोला कि गलत बोला? सही बोला। कुछ पत्थर लकड़ियां है और कुछ पत्थर जो है वो बाबू लकड़ी है, सही कि गलत? सही बोला। कोई मेज पत्थर नहीं है, मेज जो है वह पत्थर नहीं है, ऐसा बोलता है। अभी तो लग रहा है कि सही, लेकिन यही अगर मेज हम ऐसे करके बना दे, क्योंकि तो मेज को बोला लकड़ी नहीं होने के लिए, मेज को क्या बोला है, लकड़ी नहीं होना है, लेकिन मेज को लकड़ी छोड़ करके और बाद बाकी चीज तो हो ही सकता है क्या? ये तो यहां लिखा हुआ कोई मेज पत्थर नहीं है, प्रश्न में कहा, प्रश्न में क्या लिख रहा है, मेज लकड़ी नहीं है, मेज को लकड़ी से कोई रिलेशन नहीं, लेकिन बाद बाकी तो देखिए मेज के बारे में कहीं कुछ बोला है प्रश्न में, तो मेज को ना लकड़ी नहीं होने देंगे, बाद बाकी अगर कुर्सी पत्थर कंकर अगर ये चाहे उससे थोड़ा बहुत रिलेशन रखने का तो रिश्तेदारी रख सकता है, नहीं रखना चाहेगा तो नहीं रखेगा। इसीलिए एक डायग्राम से हो रहा है सही और एक डायग्राम से हो रहा है गलत, तो वह निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत। कोई मेज पत्थर नहीं, बात गलत हो जाए। इसके बाद कुछ कुर्सियां मेज नहीं है, कुछ कुर्सी जो है वह मेज नहीं है, ये देखिए इधर वाला कुर्सी ये जो लकड़ी में जो अटैच है ये वाला कुर्सी तो कभी भी मेज नहीं ना होगा, इधर वाला कुर्सी मेज हो जाएगा लेकिन इधर वाला कुर्सी तो कभी भी मेज नहीं होगा जो लकड़ी से अटैच है, तो यह बात भी बिल्कुल ही क्या है, सही है। यानी कि पहला दूसरा और चौथा क्या है, सही है। आंसर होगा देख लीजिए जो भी होगा, दो नंबर आंसर होगा, पहला दूसरा और चौथा अनुसरण करता है। ठीक है आगे बढ़े, मिटा दे इसको क्या बढ़िया। देखिए 150 वाले सब निष्कर्ष की एक ही दो सब निष्कर्ष। लकड़ी यहाँ पर बाबू 50, कंकर भी 50, मेज है यहाँ पर बउवा 100, पत्थर भी है यहाँ पर 100, उसके बाद कुर्सी कुछ है तो ये 50 और ये 100, और यहाँ पर बाबू कुछ का केस है तो 50 और यहाँ पर भी 50। चलिए अब सबसे पहला हम देख ले लकड़ी और कंकर का क्या हालचाल है, लकड़ी कहाँ है और कंकर कहाँ है, लकड़ी यहाँ पर, लकड़ी यहाँ पर, कंकर है यहाँ पर, तो कंकर है यहाँ पर तो पत्थर और पत्थर कॉमन मिल गया, यहाँ पर पत्थर है बाबू 50 और यहाँ पर पत्थर है 100, काम हो गया इसका। उसके बाद ये कुर्सी और ये वाला कुर्सी कॉमन मिल गया, यहाँ पर कुर्सी है 100 और यहाँ पर कुर्सी क्या है 50, ये भी काम हो गया इसका। तो इसका मतलब डायरेक्ट लकड़ी और कंकर का रिलेशन सही हुआ कि गलत हुआ, सही हुआ, कोई दिक्कत नहीं। पत्थर और लकड़ी, पत्थर है यहाँ पर, लकड़ी है कहाँ पर, लकड़ी तो यहीं पर है, सॉरी पत्थर यहाँ पर भी, तो ये कुर्सी 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 खत्म, पत्थर यहाँ 50, लकड़ी यहाँ पर 50, यह भी निष्कर्ष क्या, लकड़ी और पत्थर दोनों 50, सही हो गया। ठीक है अब क्या, कोई मेज पत्थर नहीं है, तो मेज है यहाँ पर 100 और पत्थर भी है यहाँ पर 100, पत्थर यहाँ पर कितना 50 नहीं होगा, पत्थर यहाँ पर कितना 100, तो यहां से हो जा रहा है, मेज क्या है यहाँ पर 100, मेज यहाँ पर है 100। तो अब सबसे पहला सिचुएशन है मेज और पत्थर तो 100 है वो तो ठीक है, मेज और पत्थर का क्या डायरेक्ट रिलेशन लकड़ी से मिल रहा है क्या, लकड़ी कुर्सी का नहीं मिल रहा है,
लकड़ी का मिलेगा किससे? इस लकड़ी से मिलेगा, तो ये है यहाँ पर 100 और ये है यहाँ पर 50, तो ठीक है अभी तक। इसके बाद इस लकड़ी से रिलेशन बनने के बाद कुर्सी का रिलेशन बनाएंगे कुर्सी से, जब कुर्सी का रिलेशन कुर्सी से बनाए तो पता है 100 यहाँ पर ही ठीक है, तो इसी पत्थर से ना हम इस मेज का रिलेशन बनाएंगे, इस पत्थर से नहीं ना बनाएंगे क्योंकि नजदीक में तो यही ना है, तो बस ये 50 यहाँ पर कितना 100, तो रिलेशन क्या गलत, क्योंकि 100 रुपया वाला 50 रुपया वाला सामान आप 100 रुपया में तो नहीं खरीद सकते, ठीक है। और ये वाला कुछ कुर्सियां मेज नहीं है, ज्यादा लाइन खींचा गया है, कुछ कुर्सियां मेज नहीं, कुर्सी यहां पर मेज यहां, मेज कहां है? मेज यहां पर है, और कुर्सी कहां है? तो कुर्सी यहां पर है, लकड़ी लकड़ी मिल गया कॉमन, लकड़ी लकड़ी कॉमन मिल गया, ये 100 मिल गया, ये 50 भी मिल गया, ये भी ठीक है। मेज यहां पर 100, मेज है यहां पर बाबू 100, कुर्सी यहां पर 50, कुर्सी यहां पर 50, एक निगेटिव एक पॉजिटिव से निगेटिव बनता, सही ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, 24 नंबर में आइए। ये जो आप 20% 25% 95% जो देख रहे हैं, ये सारा का सारा क्या नाम है? कुछ है कुछ, ये कोई भी इसमें 100 नहीं है, 100 रहता ना तभी होता है सब। हंड्रेड रहता तभी ये होता, सही सारा का सारा ये कुछ है। आप यदि चाहें इसको काट करके कुछ लिखना तो आराम से लिख सकते हैं, कहीं पर कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, अगर आपको नहीं लिखना है तो मत लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन है ये सारा का सारा कुछ। आप देखिए चप्पल, तो फिर हम दे फिर बता, कुछ जूते चप्पल है यानी कि 20%, ये लीजिए जूता चप्पल है, कुछ चप्पल कागज है, कागज है 95%, कलम कागज कलम है, कागज जो है वो क्या है? कलम है। अब देखिए कुछ चप्पल कलम है, चप्पल यहां पर कलम यहां पर क्या मिल रहा है? सही की गलत? बिल्कुल ही गलत, एक नंबर निष्कर्ष। कुछ जूते कलम है, जूता यहाँ पर कलम यहाँ पर मिलेगा? बिल्कुल ही गलत। कागज चप्पल है, कागज है यहाँ पर, चप्पल यहाँ पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा बताइए? तो बिल्कुल ही सही। कुछ कलम कागज है, कलम है यहाँ पर, कागज यहाँ पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? बिल्कुल ही सही, यानी कि पहला और दूसरा गलत, तीसरा और चौथा सही। क्लियर है सबका? ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ है, केवल निष्कर्ष 3 तथा 4 अनुसरण करता है। ओहो इसमें से एक काट दीजिए, 95% लिखा है, इसमें से एक यहाँ से काट दीजिए, यहाँ से एक काट दीजिए बस, ठीक है कट गया ना, ठीक चल लगभग में नहीं होता है। चलिए आगे 25 नंबर सवाल, कुछ आंखें कान हैं, कुछ कान हाथ है, कुछ हाथ मुंह है, कुछ मुंह आंख है, कुछ मुंह और आंख को मिलाना है नहीं, यहां पे मिल गया देख लीजिए, कुछ मुंह आंख है ठीक है, तो कुछ हाथ आंखें हैं, कुछ हाथ जो है बाबू वह आंख है, यह हम क्लियर रूप से नहीं बोल सकते हैं, हो भी सकता और इसीलिए निष्कर्ष क्या हो जाएगा? गलत। कुछ आंखें मुंह है, कुछ आंख जो है, अच्छा कुछ आंखें जो है वह मुंह है, यह बात क्या है? सही।
कोई हाथ आंख नहीं है, कोई हाथ आंख नहीं है, हम बोले थे हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। तो यहां पर ये देख लीजिए, अब ये दोनों हाथ आंख है नहीं है, यानी कि ये दोनों मिल करके क्या बना देगा, आयतन बना देगा। कुछ आंखें मुंह नहीं है और कुछ आंख जो है वह मुंह नहीं है, कुछ आंख ऐसा है जो कि वह मुंह नहीं है। इधर से तो लग रहा है अभी बिल्कुल ही सही बात, लेकिन अगर अटैच इधर से देखते हैं तो ये क्या हो जा रहा, गलत बात। यानी कि इसीलिए पहला और दूसरा, सॉरी, दोनों फिगर से देखेंगे तो यह निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका बाबू गलत। तो आंसर हो गया क्या, दो नंबर बिल्कुल ही सही है और एक नंबर और तीन नंबर मिलके क्या बना रहा है, आयदर बना रहा है। आंसर हो जाएगा इसका बाबू ऑप्शन तीन नंबर। ठीक है, क्लियर सबका, हटा दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 26 नंबर। उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने संकेत हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक बाद एक अंक है। संकेत है लीजिए हम डॉलर रख दिए और इसके बाद अंक चाहिए तो एक डाल दिए। ऐसे कितने संकेत हैं जिनको प्रत्येक के ठीक बाद एक अंक है परंतु ठीक पहले एक अंक नहीं है, यानी कि ठीक पहले अंक नहीं चाहिए। तो संकेत के पहले अंक है, गलत हुआ। संकेत के बाद में अंक चाहिए था हमको, संकेत के बाद में अंक है, सही है। संकेत के बाद में अंक है लेकिन पहले भी अंक हो गया, गलत हुआ। संकेत के बाद में अंक चाहिए, नहीं हुआ यहां पर भी, यानी कि आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ एक, आंसर होगा इसका एक, ऑप्शन ए। ठीक है, 27 नंबर। उपरोक्त व्यवस्था पर आधारित निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, के, एच और एम। के, एच और एम, ठीक है। 3% जे, 3 के बाद परसेंटेज के बाद जे, ठीक है। डी एन एट द रेट, यहाँ पे स्मॉल वाला है, कैपिटल वाला है। डी एन एट द रेट ऐसे लेकिन होना नहीं चाहिए था, ठीक है, लेकिन नहीं है तो हम मजबूरी में कुछ कर नहीं सकते। डब्ल्यू कॉपीराइट और एन, नाइन। डब्ल्यू कॉपीराइट और नाइन, अगला क्या होता है, बीच में देखिए, बीच में एक तो छोड़ दिया, बीच में यहाँ भी एक तो छोड़ दिया, बीच में यहाँ भी एक तो छोड़ दिया, तो बीच में यहाँ पर आप एक छोड़िए। उसके बाद टी भी और एफ, टी भी एफ आंसर होगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका 4 नंबर, डी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन में लिख रहा है किसी कॉलोनी में, कॉलोनी के 60 लोगों में से 10 केवल बंगाली बोलते हैं। दस केवल बंगाली बोलते हैं, 5 केवल असमिया बोलते हैं, 10 हिंदी और उड़िया दोनों बोलते हैं, 12 मराठी और हिंदी बोलते हैं, 13 अंग्रेजी तमिल और मराठी बोलते हैं, 5 असमिया और हिंदी बोलते हैं, बाकी बच्चे लोग बंगाली और हिंदी दोनों बोलते हैं। बढ़िया, 5 असमिया बोलते हैं। पांच असमिया बोलते हैं, बंगाली और हिंदी दोनों बोलते हैं, यानी कि हिंदी यहां पर अटैच कर। इसके बाद 10 हिंदी और उड़िया दोनों बोलते हैं, 10 हिंदी और उड़िया दोनों बोलते हैं, 60 लोगों में से 10 केवल बंगाली बोलते हैं, हो गया। 5 केवल असमिया बोलते हैं, ये भी हो गया, 5 केवल असमिया बोलते हैं, हो गया। इसके बाद है 10 हिंदी और उड़िया दोनों बोलते हैं, यहां पर हो गया। 12 मराठी और हिंदी दोनों बोलते हैं, 12 जो है मराठी और हिंदी दोनों बोलता है, 13 अंग्रेजी तमिल और मराठी बोलते हैं,
तेरा जो है अंग्रेजी, तमिल और मराठी, 13 मराठी भी हो गया, अंग्रेजी भी हो जाएगा, तमिल भी हो जाएगा। चलिए ऐसे घुमा देते, समझ में आ रहा है? ये है बाबू मराठी, ये मराठी है, मौत लिख देते हैं हम यहाँ पर मराठी। तमिल है और अंग्रेजी है, नहीं इसको हम अंग्रेजी बना देते हैं, अंग्रेजी, और इसको हम बाबू तमिल बना देते हैं, ये यहाँ पे उड़िया है। चलिए हो गया, इसके बाद पांच असमिया और हिंदी बोल, तीन वो वाला पढ़े। यहाँ पे पांच लिखा हुआ है, सबको हिंदी है से मतलब साइड जाते जाते ज्यादा साइड चले। और कुछ बचा हुआ जी? 60 लोग होगा जी, देखे तो 5, 10, 15, 15 और 5, 20, 10, 30, 30 और 25 कितना? 55। और बोला था कि जो बच जाएगा वो बंगाली और हिंदी बोलेगा, भैया यहाँ पर 60। कितने लोग एक से ज्यादा भाषाएं बोल सकते हैं? एक से ज्यादा भाषा बोल सकता, देखिए 5, 5, 10, 10 और 25, 35, 35 और 10, 45, 45 जो है वह एक से अधिक भाषा बोल सकता है। अंग्रेजी बोलने वाले तथा मराठी बोलने वाले लोगों के मध्य अनुपात है, अंग्रेजी बोलने वाला और मराठी बोलने वाला के मध्य अनुपात, अंग्रेजी बोलने वाला कितना है? 13, और मराठी बोलने वाला कितना है? 13 और 12, 25। ठीक है, 13 और 12, 25 इतने हैं जी। तीन हो गया, तेरह तीन हो गया, अंग्रेजी तमिल और मराठी। तो सिर्फ अंग्रेजी वाला थोड़े है, कहीं 13 अंग्रेजी तमिल और मराठी बोल सकते हैं, तो वो बंगाली बोलने वाला, हम अंग्रेजी दे, बंगाली बोलने वाला और मराठी बोलने वाला, बंगाली बोलने वाला कितना? 10 और 5, 15। तो 15 और 25 यानी कि हो जाएगा 3:5, आंसर हो जाएगा इसका 4:5। 30 नंबर सवाल, कितने लोग हिंदी बोलते हैं? हिंदी बोलने वाला नहीं तो सबसे ज्यादा, हिंदी बोलने वाला यही सर्कल है ना जी, तो 5 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, 10, 10, 20, 20 और 12 कितना? 32, यानी कि हिंदी बोलने वाला कितना है? 32। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल नए टेस्ट के साथ, टेस्ट सीरीज नंबर 9 के साथ। जय हिंद।